तो इनको गिनीटो मोड क्या है, उसके क्या बेनिफिट्स है एंड आप उसको कैसे यूज कर सकते हैं, इन सभी के बारे में मैं आज के इस वीडियो में फुल डिटेल में बताऊंगा। तो जानने के लिए आज के इस वीडियो को इन तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इनकॉग्निटो मोड, तो आप किसी भी ब्राउजर को यूज करते हैं जैसे कि क्रोम ब्राउजर, फायरफॉक्स ब्राउजर या फिर और भी पहले जो ब्राउजर्स थे जो कि बैन हो गए जैसे कि यूसी ब्राउजर, ओपेरा मिनी, तो उन सभी में आपको इनकॉग्निटो मोड देखने को मिलता है। एंड अभी आपको जो क्रोम ब्राउजर है एंड फायरफॉक्स ब्राउजर है तो इन सभी ब्राउजर्स में भी आपको जो किया इनकॉग्निटो मोड देखने को मिल जाता है, इनकॉग्निटो मोड का फीचर मिल जाता है। तो आखिर ये मोड इनकॉग्निटो मोड सभी ब्राउजर्स में क्यों देता है एंड इसके क्या बेनिफिट्स है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इनकॉग्निटो मोड क्या है। तो इनकॉग्निटो मोड एक ब्राउजर का ऐसा फीचर है जिस फीचर को यूज करके आप अगर किसी भी चीज को, कोई चीज अगर सर्च करते हैं, ब्राउज करते हैं, ओपन करते हैं तो आपका जो भी डाटा होगा, आपने जो सर्च किया होगा, ओपन किया होगा, वो आपके हिस्ट्री में सेव नहीं होगा। तो नेक्स्ट जो कि हम बात कर लेते हैं अब इसके बेनिफिट्स की, तो बहुत से ऐसे पर्सन है जिनको अगर किसी अनदर पर्सन का मोबाइल फोन उसके हैंड में आ जाता है, उनको अगर मिल जाता है तो वो क्या करते हैं कि उस पर्सन के मोबाइल फोन में ब्राउजर को ओपन करके उसके हिस्ट्री को चेक करते हैं कि उस पर्सन ने क्या सर्च किया है, क्या देखा है एंड जो भी उसके हिस्ट्री है वो उसको चेक करता है। तो अगर आपने इनकॉग्निटो मोड को इनेबल करके, इनकॉग्निटो मोड को यूज करके अगर किसी चीज को सर्च किया होगा या फिर ब्राउज किया होगा, ओपन किया होगा, देखा होगा तो वो हिस्ट्री में सेव नहीं होगा, तो जिसे कि आपका प्राइवेसी कोई नहीं जान पाएगा, कोई नहीं देख पाएगा कि आपने क्या सर्च किया था या फिर आपने क्या देखा था। तो अब मैं आपको बता देता हूं कि आप कैसे इनकॉग्निटो मोड को यूज कर सकते हैं किसी भी ब्राउजर में। तो जनरली जो कि है सभी फोन में क्रोम ब्राउजर होते हैं, तो मैं क्रोम ब्राउजर पे ही आपको यूज करके बता देता हूं। तो उसके लिए आप अपने फोन में क्रोम ब्राउजर एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे एंड क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको राइट साइड टॉप में यहां से थ्री डॉट का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप इस पे प्रेस कर लेंगे एंड यहां आप जैसे प्रेस करेंगे तो यहां से आपका जो कि है न्यू इनकॉग्निटो टैब का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको उस पे प्रेस कर लेना है एंड यहां प्रेस करते ही जो कि है आपका यहां से देख सकते हैं यू हैव गॉन इनकॉग्निटो, तो जो भी इसके डिटेल्स है वो यहां से आपका लिख देगा, आप इसको पढ़ सकते हैं, उसको रीड करके आप इसके बारे में और भी ज्यादा समझ सकते हैं। एंड अब जो कि क्या करना है, आपको यहां से सर्च इंजन पे टाइप कर लेना है, आप जो भी चीज सर्च करना चाहते हैं वो आप यहां से टाइप कर लेते हैं। तो मैं आपको यहां से जैसे कि कोई भी चीज एक सर्च करके दिखा देता हूं, तो आपने देखा मैंने जो कि ये अभी यूट्यूब खुला हुआ है इसी ब्राउजर से, तो अब मैं आपको दिखा देता हूं यहां से बैक आके जो कि ये जो कि हिस्ट्री में सेव नहीं हुआ होगा। तो अब जो कि है आप यहां से राइट साइड टॉप में जो कि थ्री डॉट है आप उस पर प्रेस कर लेंगे एंड यहां प्रेस करने के बाद आप जो कि हिस्ट्री पे प्रेस करते हैं तो यहां से आप देखेंगे तो जो कि है मेरा कोई भी हिस्ट्री यहां से आप देख सकते हैं जो कि शो नहीं कर रहा है। तो अब बैक आ जाएंगे, अब आप इनकॉग्निटो मोड को डिसेबल करना चाहते हैं तो या तो आप इससे पेज को रिमूव कर देंगे, यहां से प्रेस करके पेज पे आप रिमूव कर देंगे तो आपका इनकॉग्निटो टैब हट जाएगा, या फिर आप नोटिफिकेशन पैनल से आप यहां से इनकॉग्निटो टैब्स पे आप प्रेस करते हैं तो आपका जो किया ये डिसेबल हो जाएगा। तो इसी तरह से आप इनकॉग्निटो मोड को यूज कर सकते हैं। तो यही थे कुछ इनकॉग्निटो मोड के बारे में डिटेल्स, आप कैसे यूज कर सकते हैं, इसके क्या बेनिफिट्स है एंड ये क्या होता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब करें। फिलहाल के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं मेरे अगले वीडियो के साथ।